हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीटीएससी जेई के अंतर्गत जो भी पोस्ट प्रिफ्रेंस की बात की गई, हम लोग ऑफिशियल नोटिस पे जाकर और डिस्कस करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत और कौन से ब्रांच में कितना यहाँ पे वैकेंसी है और कौन से पोस्ट बेहतर है आप सभी के लिए। क्योंकि यहाँ पे नए कैंडिडेट जैसे कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे अपना अपना जो प्रिफ्रेंस है वो आपको डालना है। और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट कि गर्ल्स के लिए कौन सा यहाँ पे बेटर होगा, कौन सा डिपार्टमेंट के आपका अरेंज जो पोस्ट प्रिफ्रेंस की बात की गई है, कौन से पोस्ट आपको बेहतर ऊपर में और नीचे में क्रम में कैसे डालना है, और यहाँ पे कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट में आपका सीट है किसमें नहीं है, वो सारे हम लोग ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे बीटीएससी रिजल्ट और ऑब्जेक्शन लिंक, यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिंक क्या है, उन सभी पहलुओं पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 8 यहाँ पे डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, PDD यानी कि प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बात कर लेते हैं, रूरल वर्क डिपार्टमेंट यानी कि यहाँ पे RCD, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, WRD और MWRD माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे वाटर रिसोर्स, यहाँ पे UDHD नगर विकास आवास विभाग। तो इन सभी के बारे में कौन से ब्रांच बेहतर है, कौन से डिपार्टमेंट बेटर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे पोस्ट प्रिफ्रेंस डालेंगे। खास करके यहाँ पे गर्ल्स वाले ध्यान देंगे ताकि आपको जो है कि ज़्यादा ऑफिशियली वर्क जहाँ पे यानी कि ज़्यादा भाग दौड़ वाला वर्क नहीं हो वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। रही बात जो भी यहाँ पे वर्क होते हैं, खासकर फील्ड वर्क ही सिविल का होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले आप लोग ध्यान रखें और इन्हीं लोगों का यहाँ पे होगा। और जो भी पोस्ट प्रिफ्रेंस सिविल का पहले ही यहाँ पे पोस्ट प्रिफ्रेंस लिया जा चुका है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक ब्रांच के बारे में और एक एक यहाँ पर डिपार्टमेंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका ऑफिशियल और नोटिस जिसमें आपका कितना कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत कितना यहाँ पे पोस्ट है और कौन से ब्रांच का यहाँ पे वैकेंसी है सभी का यहाँ पे डिटेल दिया गया है। और इसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितना कितना सीट है। तो सबसे पहले हम लोग योजना एवं विकास विभाग की बात कर ले और पोस्ट प्रिफ्रेंस की बात कर ले। तो सबसे जो ज़्यादा यहाँ पर सीट आई थी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो 1200 है, लेकिन यहाँ पर वाटर रिसोर्स में सबसे ज़्यादा था शायद, एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ वही है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2100 यहाँ पे 23 सीट्स आई थी। एंड अब आइए एक एक करके हम लोग पोस्ट प्रिफ्रेंस की बात कर ले। तो सबसे पहले ऊपर में जो योजना एवं विकास विभाग है, तो यहाँ पे जो सिर्फ सिविल का है और अभी पोस्ट प्रिफ्रेंस डालना है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैंडिडेट का, तो इसमें आपका कोई यहाँ पे सीट नहीं है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए। बात कर ले नगर विकास एवं आवास विभाग, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए नहीं है, सिर्फ सिविल का था। और ग्रामीण कार्य विभाग, यहाँ भी सिर्फ सिविल का है। तो ऐसे में तो तीन जो डिपार्टमेंट है आप लोग यहाँ पर आउट है। और यहाँ पर आपको पोस्ट प्रिफ्रेंस आए भी तो आपको यहाँ पर नीचे से डालना होगा, यानी कि यदि पोस्ट प्रिफ्रेंस में ऑप्शन इन सभी का आता है तो नीचे आप लोग डाल दें। रही बात यदि नहीं आता है तो खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं ग्रामीण कार्य विभाग तक, यहाँ पर हो गया। यहाँ पे एक और बात कि सिविल वाले कैंडिडेट के यहाँ पे नहीं आएगा, सिविल वाले पहले यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन फिर से यहाँ पे कोई भी पोर्टल उनके लिए जैसे यहाँ पर जो पोस्ट प्रिफ्रेंस के लिए कोई भी यहाँ पर नोटिस नहीं आया है, तो सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को डालना है। तो आप लोग इतना ध्यान रखें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले। अब जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग, अब यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए है, यांत्रिक वाले के लिए है, मैकेनिकल वाले के लिए यानी कि यहाँ पे आपका है। तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ए बेटर है गर्ल्स के लिए। आप लोग गर्ल्स, सबसे पहले गर्ल्स की बात कर ले, तो गर्ल्स जो है कि आप लोग इसको जो है कि चॉइस कर सकते हैं, फर्स्ट चॉइस लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। इसमें क्या है कि जितने भी नल जल का वर्क चल रहा है उसमें आपका वर्क दिया जाएगा, उसको जो है कि सुचारू ढंग से चलाने का आपको वर्क यहाँ पे दिया जा सकता है। भवन निर्माण विभाग की बात कर ले तो बॉयज भी इसका जो है कि आप लोग पोस्ट प्रिफ्रेंस डाल सकते हैं, अच्छा पोस्ट है। एंड यहाँ पे वैकेंसी 34 है टोटल, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग है।
भवन निर्माण विभाग की बात करें तो इसमें दोनों का है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपका यांत्रिक और विद्युत, 1 से 6 यहाँ पे विद्युत का है और यांत्रिक की बात कर ले तो मात्र यहाँ पे 15 है। तो जितने भी मैकेनिकल वाले हैं आप लोग यहाँ पे लोक स्वास्थ्य आप लोग पहले डालें, ज़्यादा बेटर होगा। हम भवन निर्माण विभाग की बात कर ले तो इसमें इलेक्ट्रिकल वाले के, तो गर्ल्स भी इसको डाल सकती है, जो भी जहाँ भी भवन का पुनर्निर्माण, जो भी नया निर्माण हो रहा है बिल्डिंग, जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह, जो भी कॉलेज और जितने भी गवर्नमेंट जो भवन बनते हैं उसमें जो है कि आपको वर्क मिल सकता है, वहाँ पे जो भी भवन बिजली संबंधित जो भी वर्क होंगे आपको वहीं पे मिलेगा। तो और भी देखते हैं और कौन से पोस्ट है और उसके बाद हम लोग पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे लास्ट में कि कौन सा सबसे बेटर है। पहले आप लोग थोड़ा बहुत इसमें जान लें। अब जो भवन निर्माण हो गया, जल संसाधन विभाग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का 237 है यहाँ पे मैकेनिकल का जल संसाधन विभाग में और 26 है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पे मैकेनिकल में काफ़ी हद तक अच्छे खासे सीट है, बॉयज इसके लिए अच्छे प्रेफरेंस डाल सकते हैं फर्स्ट में, बट गर्ल्स के लिए यहाँ पर लास्ट में ही इसको डाले तो बेटर है, क्योंकि जो भी यहाँ पे वर्क होता है, जो भी नदी वगैरह हो गया उसी के आसपास डैम का जो हो गया उस वहाँ पे आपको जो इसका जो है कि ज़्यादा वर्क होते हैं। तो गर्ल्स के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग ऊपर वाले मैकेनिकल में बात कर रहा हूँ, तो मैकेनिकल में ऊपर वाला जो कौन सबसे पहले यहाँ पर कौन था उसका, हाँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, तो आप लोग इसको डाल सकते हैं। पथ निर्माण में सिर्फ सिविल का है और लघु जल संसाधन में आपका फिर 146 पोस्ट है जो कि मैकेनिकल वालों के लिए। तो यहाँ पे मैकेनिकल में सबसे पहले हम लोग एक एक करके आप लोग हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले मैकेनिकल में और गर्ल्स के लिए। तो सबसे पहले आप लोग बात कर लेते हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की। तो सबसे पहले मैकेनिकल वाले यहाँ पे एम से मैकेनिकल और यहाँ पे लोक स्वास्थ्य आप लोग पहले डाले, गर्ल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग डाल सकते हैं माइनर वाटर, माइनर वाटर आप लोग डालें, और थर्ड में आप लोग डाल सकते हैं जल संसाधन विभाग, सॉरी पहले आप लोग यहाँ पे जल संसाधन से पहले आप लोग इसको डालें भवन निर्माण विभाग पे, और फिर आप लोग लास्ट में यहाँ पे, लास्ट में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जल संसाधन विभाग आप लोग डालें तो ज़्यादा बेटर होगा। और जल संसाधन विभाग से उससे ऊपर यानी कि बॉटम से ऊपर में आप लोग माइनर वाटर को डाल सकते हैं। तो ये था मैकेनिकल वालों के लिए। अब इलेक्ट्रिकल वाले के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले भी आप लोग जल संसाधन को बाद में डाल सकते हैं, बॉयज आप लोग पहले डाल सकते हैं, लेकिन गर्ल्स इसको लास्ट में डालें। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप लोग फर्स्ट में गर्ल्स यहाँ पे और इलेक्ट्रिकल वाले डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल गर्ल्स यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फर्स्ट में डालें तो ज़्यादा बेहतर है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में यहाँ पर है नहीं, तो आप लोग दो ही यहाँ पर है, तो और भी यहाँ पर ऑप्शन आता है तो और सबको लास्ट में डाल सकते हैं। यदि वैकेंसी इंक्रीज की गई होगी किसी में तो आपको वहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा। यदि दो ही ऑप्शन आता है तो दो ही डालें जो भी है। तो जैसे ही इसका ऑप्शन आएगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। खैर अभी तो इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब आते हैं हम लोग वहाँ पे पॉइंट पे। अब रही बात यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए जो बेस्ट प्रेफरेंस था और जो भी यहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर जो वैकेंसी है, एक एक करके मैंने यहाँ पर डिस्कस किया और गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे हो गया। और रिजल्ट की बात कर ले और यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिंक, तो ऑब्जेक्शन लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही ऑब्जेक्शन लिंक यहाँ पे एक्टिवेट होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्शन करना है, और ऑब्जेक्शन उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर करना है, ध्यान रखें उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर ऑब्जेक्शन करना है जिसका कोई यहाँ पर त्रुटि है जेंडर में, फादर्स नेम में, अपना नेम में, जिनका सब कुछ सही है, मार्क्स सही है और जो भी सब कुछ सही है, तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं डालें। और रही बात यहाँ पे रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है कि लास्ट यहाँ पे जून या जुलाई फर्स्ट वीक में आने की चांसेज है, अभी वेट करिए। फ़िलहाल आप लोग यहाँ पे जैसे ही लिंक ऑब्जेक्शन आता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल इतना ही।